अच्छा, ये शादी के चक्करों में ना इंसान खाना पीना हर चीज़ भूल जाता है, तो मैं अभी नहीं भूलना चाह रहा क्योंकि मैंने स्ट्रांग एंड फिट एंड थोड़ा एनर्जेटिक रहना है शादी पे, क्योंकि मैं अपने इवेंट को ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने रास्ते से ये किमे वाले पैटर्स खा रहा हूँ मैं भी। घर वालों को जाके जल्दी जा लूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मेरे घर वाले हमेशा हमेशा हमेशा, पहले मेरे दो भाइयों की शादी हुई है, हम लोग हमेशा लेट पहुंचते हैं और फिर वहाँ जाके बारात पे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि सॉरी यार वो ट्रैफिक और ये मेहमान नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ अंदर और जाते ही जल्दी जा लूंगा। ओए टाइम बड़ा हो गया, आ जा। अभी मैं वेन्यू पे पहुंच गया हूँ एंड या आई एम सो हैप्पी टुडे क्योंकि हमारा इवेंट इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। बस आज एक कमी रह गई है, काश धूप निकल आती ना तो बहुत मज़ा आना है, लेकिन थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो इट्स ओके, हमारी थीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे आप सब? अच्छा, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, कमल थोड़ा लेट आई, आज ही नहीं बल्कि कल भी मैं जल्दी आ गया था, ये लेट आई। 5 मिनट में लेट आई हूँ, 5 मिनट। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हम लोगों का माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माइयों हैं और हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कहे ना कहे कौन ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं थोड़ा कम लग रहा हूं। बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमारा जो, बस मैं यही जानना चाहता था इसलिए मैंने इसकी कहा कि ज्यादा लग रही है। मैं मायों पे वापस कर दूंगा। कितने पैसे लिए थे इन्होंने? ये तो याद नहीं है। कम करें पैसे में। ईमानदारी की गल है, बंदी की जेब 65 रुपए तो ज्यादा पैसे नहीं निकलते। क्या बात है? क्या भाई बहुत बुरे हैं। समझाया था ऐसे लेकिन नहीं समझा, आखिरकार आज गेम ओवर होने जा रही है, आज माइयों और क्वाली है, अगले 2 दिनों में चौधरी जुल्करनैन फिनिश। आज हमारा भाई प्यारा हो रहा है शादी को, कवल को प्यारा हो रहा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं इन दोनों के लिए। मेरा भी सेम है कि बहुत ज़्यादा जो इनको मुबारक देना चाहूँगा। और ये लोग बड़े खास हैं, है? ये इतने खास हैं, इतने खास हैं, उतने ही लेट आए हैं क्योंकि खास लोग हमेशा लेट आते हैं। गुड टू सी यू। हम लोग यहाँ पे जुल्करनैन की शादी, नहीं कवल की शादी पे आए हैं। ओ नहीं, जुल्करनैन की, कवल की शादी। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, इन दोनों की शादी पे आए हुए हैं, और इन्वाइटेड ना भी होते हम तब भी आते। आज
आज इनकी मायो पे सबसे पहले आई। कवल ने मुझे रात को मैसेज किया, जान 2 बजे आ जाना, 2 से 6 मायो है सिर्फ बस। और मैं कवल के साथ थी इसलिए मुझे पता है कि लेट आना, जल्दी नहीं आना फंक्शंस पे, जल्दी नहीं आना। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, भाइयों का फंक्शन ऑन है और बहुत प्यारे लग रहे हैं दुल्कर नैन और कमल, और मेरी बेस्ट विशेज है कि वो हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे। भाई आप ये व्लॉग बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, इसने हमारे मेरे और इब्रार के बूमरैंग बहुत खराब किए हैं, प्लीज ये व्लॉग का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये आपने बात को ये तो वही साफ हो गया। अच्छा जो अभी हमें कवल जुर्कन नैन की माइयों पे, और फिलहाल की सिचुएशन ये कि बहुत 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 ज्यादा मजा आई, लेकिन भूख बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि बहुत सुबह नाश्ता किया था, ठीक है, अबे रोटी खुल गई और नहीं खुली, खुलनी चाहिए क्योंकि बहुत देर होगी और कवाली के लिए भी तैयार होने, दोबारा से पहले खाना खाएंगे, एनर्जी आएगी तो दोबारा कवाली के लिए तैयार होंगे, और बहुत मजा आ रहा है, लिटरली बहुत मजा आ रहा है। अच्छा उपटन तो हम लोगों ने लगा लिया, लेकिन इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा IQ ऑर्गेनिक वालों का जिन्होंने हमें उपटन भेजे हैं। उपटन तकरीबन कवल और मैं ना लास्ट 10 डेज से देख रहे थे कौन सा लोकल उपटन हम लोग यूज़ नहीं करना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि हम कोई उपटन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाएगी। हम लोग आमतौर पर फेशियल वगैरह करवाते नहीं, लेकिन अम्मी कह रही थी उपटन लगाओ, तो मुझे पता चला कि यार ये बेस्ट उपटन है। मैं सलोन गई हूँ आइसवेयर, उसने भी कहा कि यार कितना मतलब फेस निखरा हुआ है और रौनक आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। थैंक यू सो मच IQ ऑर्गेनिक इसके लिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कवल और जुल्कन नैन को, और उसके साथ रियली सॉरी कि आज के दिन मायो वाले दिन हम लोग लेट आए हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है किसकी गलती है। तो अभी हम कवाली वाले टाइम पे पहुंच गए और यहाँ पे सब कवाली के लिए तैयार हो गए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जुल्कन नैन को ये कहना चाहूँगा कि देख लो ये होता है शादी के बाद, कहीं भी जाना हो लेट हो जाता है। क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कवल भी और आप दोनों हमेशा साथ में खुश रहे। हम लोगों ने कोई 10 घंटे की कवाली करके हम लोग फ्री हूँ मैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ जो आए तो बहुत जल्दी थे और जा भी बहुत जल्दी रहे हैं।
रोक लेना, कह दो एक दफा कह दो। नहीं अगर सच हो गया तो मैं कहाँ रोकूंगी इससे। यार 18 घंटे की ड्राइव थी जो कि बनी 26 घंटे। 26 घंटे का सफर करके हम इतनी दूर से आए हैं। कल मेहंदी है, लेट्स सी। और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।